टॉप थ्री मूवीज ऑफ मार्वल इन VFX। अब देखो, बिना VFX और मोशन कैप्चर के मार्वल की मूवीज एक खुली गाड़ी की तरह है जिसमें कोई भी सफर नहीं करना चाहेगा। अब वैसे तो मार्वल के सभी प्रोजेक्ट्स VFX के मामले में अपने आप में बेस्ट हैं, सिवाय इसको छोड़ के। लेकिन कुछ मूवीज ऐसे भी हैं जिनके VFX को अगर रिक्रिएट भी कर दिया तो वो इमोशंस नहीं आएंगे जो हमने उन मूवीज में फील करे थे। नंबर 3, स्पाइडरमैन नो वे होम। पूरी मूवी में डॉक्टर ऑक्टोपस से लेकर इलेक्ट्रो और सैंडमैन को पकड़ना, अपने पुराने आइकॉनिक विलन्स को एक साथ टीम अप करते हुए और अपने ओल्ड से लेकर न्यू जनरेशन के स्पाइडीज को उनसे भिड़ते हुए देखना किसी ड्रीम्स कम ट्रू वाले मूवमेंट से कम नहीं था। और इन सब पे 4 चांद लगा देते हैं वो बेस्ट विजुअल इफेक्ट जिन्हें बयान नहीं कर सकते। नंबर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज। अब देखो, यहाँ मैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को ऐड कर सकता था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज 1 में जिस हिसाब से मिरर डायमेंशन और रियलिटी बेंडिंग को दिखाया है ना, ऐसा शायद ही हमने अभी तक किसी और मूवी में देखा होगा। नंबर 1, एवेंजर्स एंड गेम। अब वैसे तो नंबर 1 पोजीशन को इन्फिनिटी वॉर और ब्लैक पैंथर जैसी मूवीज भी डिजर्व करती हैं, लेकिन एंड गेम में कैप्टन का वो सुसाइड वॉक और एवेंजर्स असेंबल वाले सीन के लिए दिल में एक अलग जगह है। खैर, ये तो मेरे टॉप 3 थे, तुम अपने बताओ।